नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। और जो हमारी ये इंटरव्यू श्रृंखला है उसमें आज हमारे साथ जुड़ रही हैं कलापिनी कोमकली जी। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप उनको देख सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलाकारों में सशक्त नाम हैं। साहित्य को, संगीत के साहित्य को और उसके दूसरे आयामों को समझकर बहुत अच्छी तरह आत्मसात कर गाने वाले कलाकारों में हैं। और जाहिर तौर पर आपका एक परिचय ये भी है कि आप महान कलाकार पंडित कुमार गंधर्व जी की पुत्री हैं। कलापनी दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया अश्विन जी। लंबे समय से हमारी बातचीत चल रही है लेकिन कुछ सहयोग नहीं बन पाया था, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपके साथ में रूबरू होने का अवसर मुझे मिल रहा है। हाँ, कुछ संयोग ऐसा, ये तो सही बात है कि संयोग था ऐसा, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और ये बहुत खास इंटरव्यू है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत इंतजार कर भी रहा था कि आपसे बातचीत की जाए। और कुछ ऐसा संयोग है कि जैसे होता है कई बार कि हम बहुत देर से एक दूसरे से परिचय में आए, वरना अपरोक्ष तौर पर मैं बहुत सालों से जानता हूँ, चूंकि खेल पत्रकार रहा हूँ और खेल पत्रकार होने की वजह से प्रभाष जी के साथ थोड़ा सा काम करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। तो फिर मतलब मुझे लगता है कुमार जी को समझने के लिए एक बहुत मजबूत दरवाजा प्रभाष जी की तरफ से भी खुलता है, तो बहुत पहले से जानते थे। तो दीदी, इस बातचीत में कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो निश्चित तौर पर आप जिनका जवाब अब तक कई 100 बार दे चुकी होंगी, लेकिन कुछ नए सवाल भी होंगे और कुछ बातचीत देखते हैं किस तरफ जाती है। शुरुआत तो यहीं से करूंगा, क्योंकि मैं जब आपके जितने भी इंटरव्यूज देखता हूं या पढ़ता हूं या सुनता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि आप बचपन में संगीत को लेकर आपके प्रति, आपके मन में जो एक दुराग्रह कह लें था या नाराजगी थी, वो तो कहानी हम बाद में सुनेंगे, लेकिन आपने, आपको संगीत साधक बनना है, आपको संगीत सीखना है, आप संगीत के एक जो संस्कार हैं उससे जुड़कर संगीत सीखेंगी, ये सब किस उम्र में आपके अंदर डेवलप हुआ? ऐसा एक एक विशिष्ट मैं आयु नहीं कह सकती आपको कि भाई इस उम्र में मुझे लगा और यहां से इस तारीख से इस तरह से कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये बात सही है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब तक मुझ में कोई संगीत के प्रति कोई ऐसा गहरा लगाव तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि मिडिल स्कूल में थी तब एक विषय था संगीत का और चित्रकला एक विषय था, जिस तरह के दो तीन विषय अलग अलग रहते हैं, नाट्य के संदर्भ में भी एक विषय था। तो उस समय मैंने संगीत के विषय स्कूल में ले रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई चित्रकला से और नाटक से मुझे संगीत शायद थोड़ा सा आसान होगा, ऐसा मुझे लगा, पता नहीं क्यों लगा। हालांकि उस समय तक मेरी ऐसी कोई बहुत रुचि नहीं थी जैसा कि मैंने कहा आपसे, लेकिन हाँ हल्का हल्का कुछ स्कूल में जो हमारी शिक्षिका थी, संगीत की शिक्षिका, वो बड़े प्यार से हमको कुछ कुछ राग के आलाप और राग के सरगम कराती थी। तो बस वो एक शुरुआत थी मिडिल स्कूल में, लेकिन उसके बाद में फिर से कुछ अंतराल निकल गया और जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में आई तब से मैंने थोड़ा थोड़ा मेरी माँ श्रीमती वसुंधरा जी के पास में बैठकर संगीत सीखना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, वो भी उनके आग्रह पर, क्योंकि वो घर में सिखाती थी, कुछ विद्यार्थी उनके आते थे, इंदौर भी जाती थी वो सिखाने के लिए कुछ विद्यार्थियों को। तो वो कहती थी कि भाई तुम आके क्यों नहीं बैठती, तो क्यों नहीं सीखती। तो मैंने कहा कि अरे यार मेरे पास बहुत पढ़ाई का रहता है बोझ और मैं इसी में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे बार बार इस तरह के गाना वाना सीखने का तुम कुछ कहो मत। तो वो कहती थी कि अरे भाई छुट्टियों के दिन में जब भी तुम्हें समय मिले कम से कम आके तो बैठ जाया करो, गाओ मत पर पीछे बैठ जाया करो आकर। तो इस तरह से उनके आग्रह पर वास्तव में देखा जाए तो मैं उनके क्लास में पीछे चुपचाप जाके सुनने के लिए बैठ जाया करती थी। और फिर वो धीरे धीरे, वो जब बंदिशें सिखाती थी, वो जब राग सिखाती थी अपने विद्यार्थियों को, तो वो मेरे कानों पे बात चढ़ती चली गई और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं शायद गुनगुना सकती हूँ, शायद मैं ये जो लोग गा रहे हैं शायद इनसे भी शायद थोड़ा सा बेहतर गुनगुनाना मुझे आ सकता है। ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में थी तब मुझे लगने लगा। पर जिस तरह से शिवेन जी बहुत से लोगों की एक कहानी
रहती है संगीत को लेकर, कि हमने बचपन से गाना शुरू कर दिया, हम जब 7 साल के थे जान गाना शुरू कर दिया, हम जब 10 साल के थे, तो ऐसी मेरे साथ में कोई गतिविधि नहीं हुई, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब जब उस बचपन से सीधा हम कट टू आते हैं आज की तारीख में, आज अगर आप अपने आप को एक मतलब थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, लेकिन अगर आज आपसे कोई पूछे कि आप अपने आप को किस तरह के कलाकार के तौर पर परिभाषित करती हैं, एक ऐसा कलाकार जो बहुत अनुशासित है, बिल्कुल उसकी दिनचर्या जो है वो एकदम फिक्स है, और वो संगीत का रियाज से लेके और मंच के जो नियम कायदे कानून होते हैं उन सब का पालन करती है, एक ऐसी कलाकार हैं आप, या वो जो बचपन में था कि हाँ बहुत कोई क्रेज नहीं था कह लें, या बचपन में उस तरह का लगाव नहीं था, तो वो अभी अभी कैसे परिभाषित किया जाए आपको? देखिए, आज मैं क्या हूं मुझे नहीं मालूम, सच कहूं तो ये सब आप लोग हैं, ये श्रोता लोग हैं, ये सुधी श्रोता लोग हैं, जो मेरे गाने पर कुछ अंशों में लुब्ध हैं, कुछ अंशों में कुमार जी के संगीत पर लुब्ध हैं, कुछ अंशों में मेरे संगीत पर लुब्ध हैं। मेरा गाया हुआ उन्हें शायद पसंद आता है, या वो मेरे गाए में कुमार जी को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो वास्तव में गलत है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो ये आज उनका प्यार है जो मुझे यहाँ मैं खड़ी हूँ। मैं आज भी अपने आप को संगीत का एक अदना सा विद्यार्थी समझती हूँ, और ये बिल्कुल मैं हृदय की गहराई में जाके आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने चारों ओर माना कि मैं लुब्ध नहीं थी संगीत पर बचपन से, माना कि मुझे बचपन से संगीत का वैसा क्रेज नहीं था जिस तरह से एक चाह होती है कि भाई मुझे गाना है, मुझे गाना है, मुझे कुछ बनना है और मुझे संगीतकार ही बनना है। ये बचपन से माना कि मुझ में कोई ऐसी लुब्धता नहीं थी, लेकिन मैंने संगीत की ऊंचाइयों को महसूस किया है, और ये समझ, ये एक दृष्टि कह लीजिए, ये हमारे माता पिता की वजह से, और खास करके मेरी माँ वसुंधरा जी की वजह से, हम बच्चों में ये बहुत अच्छे से हमको बता दिया गया था कि तुम किस ऊंचाई के आसपास जी रहे हो, इसका भान तुम्हें होना चाहिए। और चूंकि ये भान मुझे कुछ कुछ अर्थों में शायद था, इसलिए मैं ये कह रही हूं कि मैं उस संगीत की ऊंचाई को मैं देख चुकी हूं, मैं महसूस कर चुकी हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ताउम्र मैं इस विद्यार्थी दशा से अपने आप को कभी आगे समझ पाऊंगी। ये एक बहुत विशेष बात मुझे अपने बारे में लगती है। दूसरी बात यह कि माना कि आज मैं गा रही हूं, ये सब सही है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा अंतराल मैंने इस तरह से भी गुजारा है कि भाई मैं क्यों गाऊं, मैं गाऊं तो क्यों गाऊं, क्योंकि मेरे पिता कुमार जी, वसुंधरा जी मेरी माँ, मेरे बड़े भाई मुकुल जी और कुमार जी के सानिध्य में आए हुए बहुत से शिष्य लोग, उनका मैंने इतना सुंदर संगीत हमेशा सुना है कि मुझे हमेशा लगता था कि भाई मैं क्यों, ये है ना इतने सारे अच्छे लोग गाने वाले, भाई मैं क्यों गाऊं। पर अंततः ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपको स्वयं को कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करने की इच्छा होती है, और मुझे एक समय बाद ऐसा लगा कि शायद मुझे स्वयं को यदि अभिव्यक्त करने का अवसर मिले तो मैं क्या करूंगी। तब मुझे लगा कि शायद मैं संगीत ही कर पाऊं, शायद संगीत ही एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से मैं अपने आप को कहीं ना कहीं शायद अभिव्यक्त कर पाऊं, तो इसलिए संगीत करना शुरू किया। तो दीदी, अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि संगीत नहीं करती तो क्या करती हैं? कुछ था और दिमाग में? अब वास्तव में कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सामान्य चीजें थी, जैसे मैं शायद पहाड़ों पर ही भ्रमण करती रह जाती, हिमालय पर ही भ्रमण करती रह जाती, क्योंकि मुझे हिमालय से बहुत ज्यादा लगाव है, मतलब बहुत जबरदस्त आकर्षण है हिमालय का, शायद मैं वही करती रह जाती, या मैं शायद शेफ बन जाती,
या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाती, कुछ भी हो सकता तो ये शेफ वाला तो था। मुझे ये बात जी। जी, ये एक बात मुझे आपने जो कही कि जो अनुशासित जीवन है, वो बात मैं मानती हूँ कि अनुशासित जीवन होना कलाकार के लिए बहुत आवश्यक चीज है। एक तरह से देखा जाए तो हम बड़े पैमाने पर, जब हम कलाकार के बारे में बात करते हैं सामान्य रूप से, तो मस्त मौला कलाकार है भाई, जब मर्जी आए, जब गाना कर रहे हैं जब मर्जी आए, जब उठ रहे हैं जब मर्जी आए, सो रहे हैं जब मर्जी आए, मूड मूड की बात है ना। तो ये एक कहने के लिए ठीक है बात। और कुछ कुछ कलाकार पहले के जमाने में बिल्कुल हुआ हुए थे ऐसे, जो बहुत अपने मस्त मौला थे, अपने मर्जी के मालिक थे, लेकिन जिस दौर में हम पैदा हुए हैं और जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहां पे इस तरह की मस्त मौला हरकतें करना उचित नहीं जान पड़ता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज कला को हमें प्रोफेशन के रूप में देख रहे हैं, हम प्रोफेशन के रूप में कर रहे हैं, ये केवल शौकिया तौर पर करने वाली चीज मेरे लिए अब नहीं है। और जो शौकिया तौर पर करने वाली चीज नहीं है, उसके साथ में आपको अनुशासन रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल अनुशासन कब हम नहीं करेंगे? जब हम शौक के रूप में कुछ कर रहे हैं। भाई हमें किताब पढ़ने का शौक है, भाई आज पढ़ी कल नहीं पढ़ी, हमने 4 पेज पढ़े, हमने 10 पेज नहीं पढ़े, हमने एक किताब नसीरुद्दीन शाह की भाई मुझे 10 दिन में खत्म करनी है, नहीं खत्म करी, ठीक है भाई कोई बात नहीं। महाभारत मैंने पढ़ने को लिया, मैं 5 साल तक महाभारत पढ़ रही थी, मुझे कोई बॉन्डेज नहीं था, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है कि मैं महाभारत आपको 2 महीने में पढ़ के समाप्त कर दूं। क्यों भाई, वो मेरा शौक है, पढ़ना मेरा शौक है, लेकिन संगीत ये केवल अब शौक नहीं है मेरा। तो जो शौक की बात नहीं है, उसमें आपको अनुशासन रखना ही पड़ेगा, वरना सारी चीजें हिल जाएंगी। अच्छा, कुमार जी कितने डिसिप्लिन्ड थे? आपको मतलब अगर इसी प्रश्न को थोड़ा और एक्सटेंड करें एक कलाकार के तौर कुमार पर। जी, कुमार जी जैसा व्यक्ति, इंसान के तौर पे भी, एक व्यक्ति के तौर पर भी, और एक कलाकार के तौर पे भी, मुझे नहीं लगता इतना डिसिप्लिन्ड कोई व्यक्ति, इतना अनुशासनबद्ध कोई व्यक्ति मेरी नजर में अब तक आया होगा। कभी भी कुमार जी ने अपना जो बनाया हुआ अनुशासन है उसमें कभी भी कोताही नहीं की। समय पर उठना, ये बात अलग है कि जब सफर से आते थे तो कुछ आगे पीछे समय होता था, वो बिल्कुल समझने वाली बात है, लेकिन सामान्य रूप से एक कलाकार के बतौर, चूंकि एक तो उनकी तबियत का भी मामला था, आपको मालूम है कि वो देवास आए ही इसीलिए कि उनको स्वास्थ्य लाभ लेना था, जी और उस वजह से भी नियमित भोजन, नियमित आराम, नियमित गाना, रियाज नहीं कह रही मैं, नियमित गाना मतलब गाना सिखाना, और नियमित मनन चिंतन, हालांकि उसका कोई ऐसा नियम नहीं था क्योंकि वो 24 घंटे उनके भीतर चलता रहता था, और वो मनन चिंतन की प्रक्रिया करते हुए जिस 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 चीजों का अनुशासन वो रख सकते थे, वो 100% उसका पालन करते थे। इतना मेटिक्यूलसली ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम। ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रही हूं कि वो मेरे पिता हैं, वो मेरे गुरु रहे हैं, ये एक त्रस्त भाव से मैं एक दूरी पर जाकर जब मैं देखती हूँ, तब भी मैं आपसे यही बात कहूंगी कि मैंने इतना सुव्यवस्थित विचार करने वाला व्यक्ति, इतना सुव्यवस्थित रहन सहन वाला व्यक्ति बहुत कम देखा है। अभी आप कह रही थी कि आप या तो अगर अगर गायक नहीं बनती, जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हालांकि आज की तारीख में, लेकिन अगर नहीं बनती तो आप हिमालय पर घूमना पसंद करती या शेफ बन जाती। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दो चीज़ें तो स्ट्रेट कुमार जी से ही आई हैं। मतलब जिस तरह का उनका स्वभाव था, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मैं सुन रहा था सोपान भैया कह रहे थे कि वो उन्हें खाने का इतना शौक था कि वो खिचड़ी भी इतने प्यार से खाके और उसकी इतनी तारीफ कर देते थे कि खिचड़ी जैसी बेरंग और बेरस भोजन वाली चीज जो हमें लगती है, जिसके साथ ये टैग है कि बीमार है तो खिचड़ी, बीमारी ही है तो खिचड़ी मिलेगी। तो वो बता रहे थे उसी इंटरव्यू को का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो उसकी भी इतनी तारीफ करते थे। और उनके गोलगप्पे ना खा पाने की नाराजगी का किस्सा भी हमने सुना हुआ है,
लेकिन मैं थोड़ा दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी खाने पीने की जो आदतें, आपको भी कभी ऐसे नाराजगी होती है क्या कि मुझे गोलगप्पे खाने को नहीं मिल रहे हैं, मुझे चटनी तीखी चीजें खाने को नहीं मिल रही है, कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? देखिए, मेरे साथ में एक बहुत बड़ी सहूलियत ये रही है, जैसे मैंने आपको बताया, या आप नोट कीजिए इस बात को, कि मैंने शुरुआत की अपने जीवन में संगीत नहीं, मैं लुप्त नहीं थी संगीत पर। तो वो जो बचपन का और युवावस्था का एक युवावस्था तो नहीं कहूंगी, किशोरावस्था का एक शुरू का जो दौर है, जिसमें वास्तव में गोलगप्पे और इमली और चटनियां खाने की बहुत इच्छा होती है, वो तो मैंने खूब एंजॉय किया है, मैंने खूब मजा लिया है उसका। तो इसलिए अब वैसी क्रेविंग नहीं है मुझमें कि अरे भाई मुझसे कुछ छूट गया। कुमार जी की बात अलग थी। हाँ कुमार जी की बात ये थी कि वो चाइल्ड प्रोडिजी थे, वो उम्र के 7वें साल से गा रहे थे। कुमार जी तो कहते थे कि भैया मैं उम्र के 10वें साल में हेड ऑफ द फैमिली था, आई वॉज द मेन अर्निंग पर्सन ऑफ द फैमिली। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और चूंकि उम्र के 9वें साल से वो कॉन्फ्रेंसेस में गाना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो स्वाभाविक है। और शिवेन जी, उस जमाने का सारा हाइजीन का मामला और अब के इसमें काफी फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया है। बहुत फर्क आ गया है। और उस समय यदि एक कर्नाटक का कन्नड़ भाषी बच्चा जो इलाहाबाद या बनारस या लखनऊ में जाकर यदि गोलगप्पे ना खा पाए, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल अलग दुनिया है। कन्नड़ भाषी लोगों में तो ना तो गोलगप्पे होते हैं और ना इस तरह की चटनियां होती हैं, वहां तो भाकरी और भाजी का मामला रहता है। तो उनके लिए वो एक बहुत एक अद्भुत चीज रही होगी, जिससे कि उनको वंचित होना पड़ा एक तरह से, निश्चित रूप से। तो वो उनके लिए बहुत बात थी। आज मैं जरूर ये कहूंगी कि मैं आनंद तो जरूर लेती हूँ इन सब चीजों का, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आनंद नहीं लेती, लेकिन हाँ सोच समझ कर कि भाई नहीं, अब आने वाले 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, यदि आपको 10 दिनों बाद यदि आपको कहीं कुछ कमिटमेंट है, तो ये इतनी ढिलाई अब नहीं चलेगी। अच्छा दीदी, एक एक सवाल और पूछना जरूरी है जिसका जवाब आपने पहले कई बार दिया हुआ है। जब हम कुमार जी के बचपन में की बात करते हैं तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो उनको उस्ताद फयाज खान साहब ने जो टोपी दी, जहां से नाम पड़ा, और चूंकि किस्सा जानते हुए भी आपके मुंह से सुनने में शायद ज्यादा आनंद आएगा, तो इसीलिए गुजारिश करूंगा कि वो जरूर बताएं हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। जरूर जरूर, ये क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक घटना मैं मानती हूँ इस बात को शिवन जी, क्योंकि ये बात मैं कह रही हूँ 1935-36 के आसपास की। 1934 में कुमार जी जब 10 वर्ष के थे, तब इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में 9 साल के थे, तभी बल्कि गाना हुआ था। और उसके बाद में 1935 में वो कलकत्ता के ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उनको गाने के लिए आमंत्रण मिला। तब श्रोताओं में उस जमाने के बहुत बड़े कलाकार जैसे कुंदनलाल सहगल जी, फयाज खान साहब जी, ओंकारनाथ ठाकुर जी, विनायकराव पटवर्धन जी, हाफिज अली खान साहब, इस तरह के बहुत बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। और कुमार जी चूंकि छोटे थे, स्वाभाविक है सबको बहुत प्यार आता था उनके ऊपर। और क्योंकि सब जगह बहुत उस समय चर्चाएं थी कि भाई एक कन्नड़ भाषी बच्चा आया है और जो बहुत सुंदर गाता है, जो रहमत खान साहब के गाने भी बहुत सुंदर गाता है, इस तरह से। तो मंच पर उस समय 2 सिटिंग्स हुआ करती थी, कभी भी कलाकार की कोई एक सिटिंग नहीं होती थी, जिस तरह से आज बड़े शहरों में तो 45 मिनट या 1 घंटे की सिटिंग को मतलब पूरी महफिल मान लिया जाता है। उस समय ऐसा नहीं होता था, किसी भी कलाकार को कम से कम 2 बार श्रोताओं के सम्मुख आना होता था अंतराल के बीच में। आज किसी की पहली सिटिंग सुबह हुई है तो या तो शाम को होगी या कल होगी, इस तरह से। और वो पूरी कॉन्फ्रेंस जो 3 या 4 दिनों की होती थी, उसमें सभी कलाकार सारे समय उपस्थित रहते थे। तो कुमार जी की पहली सिटिंग जब हुई, तब लोगों ने खुश होकर चांदी के, सोने के तमगे, बिल्ले उनके ऊपर न्यौछावर कर दिए। और चूंकि छोटे बहुत थे कुमार जी, खुशी की वजह से उन्होंने वो सारे तमगे स्टेज के ऊपर से एकत्र करना शुरू कर दिया। तब फैयाज खान साहब मंच पर गए और उन्होंने माइक हाथ में लिया और उन्होंने कुमार जी से कहा कि बेटा तुमने बहुत लाजवाब गाया। और उन्होंने कहा कि मेरे पास
कोई जागीर नहीं है, लेकिन यदि मेरे पास कोई जागीर होती तो मैं तुम पर लुटा देता। और ऐसा कह के उन्होंने अपने सर की जो टोपी है वो कुमार जी के सर पर उस दिन रख दी। तो ये मेरी दृष्टि से बहुत एक सुंदर घटना है कि उस जमाने में टोपी एक दूसरे के सर पर रखना इसका मायना बहुत समझते थे लोग। अब आज तो बहुत मतलब टोपी निकालना ही मामला खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गांधी टोपी बची है, उसके अलावा तो टोपी रखना मतलब एक गलत अर्थ उसका ले लिया जाता है। तो ये एक बहुत सुंदर घटना मैं इसे मानती हूँ, जिसकी वजह से बड़े बड़े संगीत कलाकारों के बीच में भी कुमार जी के प्रति एक बहुत आदर का भाव आ गया, जिसकी वजह से वो ध्यान से सुनने लगे और उनका संगीत। अच्छा दीदी, अब हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इस बातचीत में कुछ संगीत का रस भी आए, तो आप हमें क्या सुना रही हैं? मैं अब चूंकि कुमार जी की बात हो रही है और अभी भाद्रपद मास जस्ट अभी गया गया है, जाना जाने वाला है, तो मैं एक मिया मल्हार में आपको एक छोटी सी बंदिश सुनाऊं? जी जी बिल्कुल, मिया मल्हार की बंदिश आपको सुनाती हूँ, कुमार जी द्वारा बनाई हुई है। झरियो झरी आयोरी इतते चहु दिसते बादरी गरज बरस आयोरी सावन झरियो झरी आयोरी सावन झरियो झरे आयोरी इतते उतते चहु दिसते सावन झरियो झरे आयोरी इतते उतते चहु दिसते बादरे गरज बरस आयोरी सावन झरियो झरे आयोरी। ये हो गई स्थाई। बांधियो, अब हम अंदरा पे आते हैं। बांधियो आंबा पे झूलारी आ बांधियो आंबा पे झूलारी आवो सहेल मिलगावो रे सावन झरियो झरे आयो रे सावन झरियो झरे आयो रे सावन झरियो झरे आयो रे। तो मियाँ मल्हार राग मियाँ मल्हार सुनने के बाद बातचीत के दूसरे हिस्से में चलते हैं, और
मैं कुछ चीजें और जानना चाहूंगा दीदी। एक तो कुमार जी कहते थे कि मैं घरानों की कुलीगिरी नहीं करता, तो ये क्या इनकलकेट आप लोगों में भी हुआ बचपन से? जब मतलब जब सीखना शुरू किया गंभीरता से, तो क्या आपने भी एक स्वतंत्र कलाकार कहें या ये कह लें कि ये घरानों के चक्कर से बाहर निकलकर सीखने की आदत पड़ी, वही आदत अभी भी जारी है, या है कुछ घराने का कुछ अंश, कुछ कैसे देखती हैं आप इस पूरे उसको? देखिए, क्रांतिकारी विचारक के रूप में जब हम कुमार जी को देखते हैं, कलाकार के रूप में, तो उनकी पायदान से अपने आप को जरा भी साथ लाना उचित नहीं। पहली बात तो ये, उनके विचार 100% मैं उसको मानती हूं। जो उनका कहना था, संगीत के प्रति उनका जो कहना था कि मैं घरानों की कुलीगिरी नहीं करता, बिल्कुल सही, लेकिन वो कुमार जी कह रहे थे, है ना? तो ये बात यहां समझने वाली है, और ये बात भी समझने वाली है कि ये कब उन्होंने कहा, जब उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर घराने के धज तले पूरी हो चुकी थी, है ना? मेरी माताजी वसुंधरा जी की भी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर घराने के धज तले। क्यों कह रही हूँ ग्वालियर घराने के धज तले? क्योंकि इन दोनों के जो मूल गुरु थे, मतलब प्रोफेसर बी आर देवधर, बंबई में जो रहते थे, वो पंडित विष्णु दिगंबर जी के 11 पहले शिष्यों में उनका स्थान था। अब विष्णु दिगंबर जी की संगीत परंपरा को हम देखेंगे तो उनके गुरु, मतलब कुमार जी के परात्पर गुरु विष्णु दिगंबर जी, और विष्णु दिगंबर जी के गुरु जी बाल कृष्ण बुआ इचलकरण जी का, तो ये पूरा जो एक लीनियज है, जो एक एक पूरी माल श्रेणी है, माला श्रेणी आती, जो वृक्ष है, ये वंश वृक्ष कह लीजिए, वो ग्वालियर घराने से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये बहुत उत्तम बात ये रही कि देवधर गुरु जी के विचारों के खुलेपन की वजह से जहां कुमार जी रहते थे बंबई में, वहां अलग अलग घरानों के बड़े बड़े कलाकार आकर अपनी संगीत की बंदिशें, रागों की चर्चाएं देवधर गुरु जी से करते थे, कुमार जी से करते थे। तो ये उनको अलग अलग घरानों की दृष्टि समझने का एक बहुत सुंदर अवसर उनको बंबई में मिलता चला गया, जिसका परिपाक ये निकला कि वो इस मुकाम पर पहुंचे कि मुझे एक घराने से जुड़ के नहीं रहना है, क्योंकि उनको बहुत से घरानों की सुंदर चीजें दिख रही थी, समझ में आ रही थी कि भाई अरे इसमें ये बहुत अच्छी बंदिश है, ये बहुत सुंदर राग इस घराने में गाया जा रहा है, फलाना घराने के लोग इस राग को उतना ज्यादा हैंडल नहीं करते, उतना ज्यादा नहीं गाते, इस घराने में ये राग को बहुत अच्छे से ले रहे हैं, इस घराने में ये बंदिश अलग अलग मूड की बंदिश है, अलग अलग बल पेज की बंदिश है, जो अलग अलग बल पेज अलग अलग घरानों में, तो ये सारी चीजें जो जिनको हम कहेंगे कि टेक्निकल चीजें जो संगीत के रागों से जुड़ी हुई है, ये उनको वहां बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, और इसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि अरे यदि मैं केवल एक घरानों से यदि बंध के रह गया तो ये बाकी का जो सौंदर्य जो मुझे समझ में आ रहा है इसको कहाँ ले जाऊंगा। तो इन सब का एक विचार मंथन होने के बाद में एक कुमार शैली बनी। स्वाभाविक है कि हम उस शैली में पले बड़े हैं, हमें जो सीखने को मिला वो उस शैली के माध्यम से ही हमने सीखा है, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि कुमार जी और वसुंधरा जी ने हमको केवल उस शैली से जुड़ी बंदिशें नहीं सिखाई, हमको मूल ग्वालियर घराने की बंदिशें कैसी गाई जाती हैं, मूल उस घराने में राग कैसे गाया जाता है, कैसे गाया जाना चाहिए, इस बारे में सिखाने का पूरा प्रयास उन्होंने किया। ये बात अलग है कि हम उसमें से कितना ले पाए, ये हमारी अपनी बात है। कुमार जी हमेशा कहते थे कि भाई हाथी जो रहता है वो बहुत बड़ा हाथी है, ये आप उसको किस तरफ से देख रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, हर तरफ से वो एक जैसा नहीं दिखता। तो ये एक बहुत संगीत एक बहुत बड़ा विचार है, हम उसको किस तरफ से देख रहे हैं, हम उसको किस शैली की तरफ से निहारना पसंद करेंगे, तो ये सारी बातें। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि हमने निश्चित रूप से पुराने
समय की जो अलग अलग घरानों की बंदिशें हमको सिखाई गई उनको आत्मसात करने का प्रयास मैंने किया है और मैं करती रहूंगी। लेकिन स्वाभाविक है चूंकि कुमार जी की शैली में सीखना ज्यादा हुआ मैं उसकी अनुगामी ज्यादा हूं। मैं यहाँ पे दो चीज़ें अपने रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बता दूँ। एक तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो घराना परंपरा है उसमें ग्वालियर घराना सबसे प्रतिष्ठित घरानों में से एक है। और दूसरी चीज़ ये कि कुमार जी की बात जो अभी कलापिन दीदी ने बताई कि हाथी को वो राग के लिए भी यही कहते थे कि एक वो राग को चारों तरफ से देखते थे। उनके बारे में ऐसे भी तमाम किस्से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, खोज सकते हैं अगर आप खोजना चाहें तो। लेकिन ये मैंने सुना है कि वो राग को भी जो उनको देखने का नज़रिया था वो चौतरफा नज़रिया था। दीदी एक चीज़ और बताइए, आप प्रश्न आपका है लेकिन संदर्भ जाहिर तौर पर कुमार जी का ही है कि उनकी जो संपूर्ण गायकी थी उस गायकी में भजन का जो हिस्सा था वो बहुत लोकप्रिय हुआ और वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया कि तमाम लोग जो है वो सोचते हैं कि भजन ही गाते थे कुमार जी। एक कलाकार के तौर पर जब आप अपने अपनी अपब्रिंगिंग जब आपकी हुई या अब जब आप एक कलाकार हैं आप उस सिर्फ भजन वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, करना चाहती हैं, और दूसरा क्या करने की ज़रूरत है क्या, मतलब इसको लेकर आप कैसे देखती हैं पूरे ताने बाने को? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया शिवेन जी। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है। हालांकि कुमार जी जैसा मतलब एक के मैं कहूं कि कंचनजंगा शिखर हमारे सामने है और हम उसको बहुत हमारी नजरों का दायरा बहुत छोटा है ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से हम उसको एक छोटे छोटे कैप्सूल में देखना की कोशिश देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार जी ने सृजनात्मक तौर पर क्या नहीं किया? भजन निश्चित रूप से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके उनकी सांगीतिक अभिव्यक्ति का, ये मैं मानती हूं, ये मैं मानती हूं। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन भजन छूने के पहले, भजनों को छूने के पहले, तुलसीदास को छूने के पहले, मीरा को छूने के पहले, सूरदास को छूने के पहले, तुकाराम और नानक को छूने के पहले, है ना, कुमार जी क्या थे? ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। वो कब पहुंचे उस मुकाम पर, कब उन्होंने इन चीजों पर हाथ रखा, ये भी देखने वाली बात है। कुमार जी भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा के ऐसे नायक थे जिन्होंने संगीत की लगभग सारी विधाओं को जान समझकर श्रोताओं के सामने लाने का प्रयत्न किया। अपनी दृष्टि से ठुमरी टप्पा तराना, इसको लेकर उन्होंने अपने विचार सांगीतिक रूप से व्यक्त किए। ऐसा एक उम्दा कार्यक्रम पेश किया जिसमें ठुमरी टप्पा और तराना का अंतर संबंध हमें गाकर समझाया अलग अलग। वो पूरा एक 3.5-4 घंटे का कार्यक्रम था। उसी तरह से मलाउ मस लेले बाल गंधर्व, मतलब बाल गंधर्व जी को जैसे मैंने समझा, ये उसका हिंदी तर्जुमा हम करेंगे, तो बाल गंधर्व जी की गायकी को समझकर, मैं केवल नाट्य गीत गाने की बात नहीं कर रही हूँ कि भाई बाल गंधर्व जी ने ये 15 नाट्य गीत गाए तो मैं भी 15 नाट्य गीत आपको गा के सुनाता हूँ, जो कि आजकल सामान्य रूप से सब लोग करते हैं। मराठी में उमजना एक शब्द है, मतलब समझ कर लेना, गहराई से समझना। तो गायकी को समझ कर गाना ये एक बहुत अलग बात है और केवल टेक्स्ट गाना एक अलग बात है। तो गायकी को समझकर उन्होंने गाया, क्योंकि बाल गंधर्व जी जो नाट्य गीत 5 मिनट का गाते थे वो कुमार जी आधा घंटा गाते थे। तो कैसे गाते थे बिना उनकी गायकी को समझ के, तो नहीं हो सकता ये। तो वो एक बात थी। कुमार जी के धुन उगम राग, 11 धुन उगम राग कुमार जी ने बनाए। धुन उगम राग यानी ऐसे रागों की व्युत्पत्ति उन्होंने की जिनका मूल मालवा के लोक धुनों में कहीं ना कहीं उनको मिला।
तो 11 धुनुगम राग बनाए और ऐसे राग बनाए जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में अब तक उस सौंदर्य से संगीत हमारा अछूता रहा था, ऐसा उनका कहना था, इसलिए उन्होंने उस स्वरूप को हमारे सामने लाया। उसके अलावा परंपरागत रागों की लगभग 200 से ऊपर लाजवाब बंदिशें, जिनमें उन रागों का पूरा मर्म आपको पहले मुखड़े में समझ में आ जाए, ऐसी लाजवाब बंदिशें बनाई। और फिर मैं वही कहूंगी कि वो बंदिशें केवल बंदिशें बनाने के लिए नहीं बनाई, उनको जहां ऐसा लगा कि इस राग की ये जो प्रोफाइल है, राग की जो ये प्रोफाइल है, राग का जो ये दृष्टिकोण है, ये शायद अब तक की कहीं ना कहीं परंपरागत बंदिशों में कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, जो मुझे नजर आ रहा है, मतलब कुमार जी को, तो उस एंगल से उन्होंने उन बंदिशों की रचना की जिससे कि वो राग और समृद्ध हो जाए। बिल्कुल, हमारा संगीत, उनका पूरा ख्याल इस बात पे था कि मेरा संगीत मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत, मेरा मतलब कुमार जी का संगीत नहीं, भारतीय शास्त्रीय समग्र रूप से विचार करने वाले व्यक्ति, भारतीय शास्त्रीय संगीत को मैं कितने तरह से समृद्ध कर सकता हूँ अपने विचारों से, अपने संगीत से, इसका मुझे विचार करना चाहिए। और इस दृष्टि से उन्होंने उस पर काम किया। भजन एक निश्चित रूप से एक बहुत उम्दा मुकाम, एक उम्दा उनकी बहुत स्ट्रेंथ रही है, और वो इसलिए रही कि उन्होंने भजन गाते समय उस कवि का भी विचार किया, उस कवि को समझने की चेष्टा की और फिर उसको हमारे बीच वो लेकर आए। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी जब इस तरह का, जैसे आपने कहा, जिक्र होता है कि वो भजन गायक के रूप में इसलिए लोग जिक्र करते हैं शायद कि उनकी रुचि भजनों में है, वो शायद भजन को समझते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। यदि वो रागदारी समझते होते तो वो शायद इस तरह के स्टेटमेंट नहीं करते। और मुझे अब मेरे बारे में, जैसे आपने कहा, मैं क्या कहूं आपको, केवल भजन गायक तो निश्चित रूप से मैं कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूं, उसमें कोई कमतर भाव नहीं है, लेकिन वो एक हमारी पूरी एक संगीत यात्रा का एक पड़ाव है, एक मुकाम है, जो बहुत सुंदर मुकाम है, जो बहुत लोक लुभावन मुकाम है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन उसके अलावा, मतलब कहते हैं ना कि उसके अलावा बहुत जड़ें नीचे गई हुई है, तो उनको उनको समझ के यदि कोई ले तो मुझे आनंद होगा। यदि कोई, आपने अभी कुमार जी की तमाम ऐसी बातों, मतलब ऐसी गायकी का जिक्र किया जो कम लोगों को पता है, बहुत रागों को लेकर, बंदिशों को लेकर, तो उसमें से कोई चीज़ अगर आप हमें सुनाएं तो निश्चित तौर पर हमको उसका आनंद मिलेगा बहुत। जी जरूर, क्या आप बंदिश सुनना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल। या तराना सुनना पसंद करेंगे? इसमें तो लालच आ जाएगा, हम कहेंगे कि हम दोनों सुनना पसंद करेंगे। आप पर है। मैं कोशिश करती हूँ। तराने की बात हुई है और एक और कुछ सुनाना है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपको एक मेघ मल्लार में छोटी सी एक बंदिश गुनगुना देती हूँ और फिर बाद में तराना गुनगुना देती हूँ, क्योंकि आप तबला वगैरह तो कुछ है नहीं, तो ऐसे ही सुर के साथ में केवल तानपुरा बज रहा है, तो उसकी उसी के साथ गा देती हूँ। ये नाय आय बोलन बोलन लागे, आय बोलन लागे, पपिया रे बोलन लागे। बहुत पुरानी बंदिश है ये, कुमार जी की नहीं है, पुरानी बंदिश है, परंपरागत। बोलन लागे आय बोलन लागे, आय बोलन लागे, पपिया रे बोलन लागे, पपिया रे बोलन लागे, पपिया रे मुरला
दादा दुर्वार झिंगारा बोलन लागे आ आ बोलन लागे ये बोलन सुनरी सखी आ आ सुनरी सखी जिया की बिथा पिया बिन कैसे करूं मैं सिंगार रा बोले नलागे पपिया रारे बोले नलागे। अब गौड़ मल्हार का तराना। धीम तानुम तनन देरे ना दीम तानुम आदीम तानुम तनन देरे ना दीम तानुम तनन देरे ना तारे दानी तदानी दानी तोम नोम तोम दीम तानुम तनन देरे ना आदीम तानुम तनन देरे ना दिया नरे तादिया नरे तोम दीर दीर तोम तनन नन नन नाद्रे तुंद्रे तोम नोम तोम दीम तानुम तनन देरे ना। ये कुमार जी का तराना है। मतलब इस दिलचस्प बातचीत और बीच बीच में संगीत के सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुझे ये भी बताइए दीदी कि जैसे भी पिछला प्रश्न मैंने आपकी इस गायकी से पहले पूछा था, वैसे ही अब एक प्रश्न उसी तरह का और भी है मेरे पास कि आपके पास एक तरीके से खजाना है आपके पिताजी का, कुमार जी का, गायकी के संदर्भ में, उनकी बंदिशों के संदर्भ में, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर, एक स्वतंत्र कलाकार के तौर पर कभी उससे बाहर निकलने की, कुछ नया करने की सोचती हैं? आपको लगता है उसकी जरूरत है या लगता है कि नहीं जरूरत ही नहीं है? आप कैसे देखती हैं इस चीज को? नहीं, जरूरत क्यों नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। यदि रोज सूरज उग रहा है तो क्यों जरूरत नहीं है, उसको भी रोज उगने की कोई जरूरत नहीं है, हर दिन नया होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल हर दिन नया होने की जरूरत है। तो इसलिए नया होने की जरूरत को समझना पहली जरूरत है कि क्या क्या नया करना है और क्यों करना है। क्या मैं, जहां तक मेरी बात मैं करूं, मैं इस तरह से देखती हूं कि भाई मैंने अब तक क्या आत्मसात किया है, मैं कितना आत्मसात कर चुकी हूं, जो मैंने अब तक सीखा है, जो मुझे सिखाया गया है, मैं उसमें से कितने प्रतिशत आत्मसात करने की अभी तक मेरी तैयारी हो गई है। ये मेरे ख्याल से ये हर कलाकार अपने आप को कहीं ना कहीं पूछता है, भले ही कोई सबके सामने ना बात करता हो, लेकिन वो निश्चित रूप से अपने आप से ये सवाल करता ही करता है कि भाई मैंने अब तक क्या हासिल किया है, जो मैंने अब तक सीखा है उसमें। और मेरे ख्याल से ये मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा कि कुमार जी की के पास राग और बंदिशों का खजाना रहा है, लेकिन खजाना खजाना तभी खजाना रहता है जब हम उसमें और इजाफा करते चले जाएं। बहुत अच्छी बात। तो वरना एक दिन वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इजाफा करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उस इजाफा करने के पीछे मैं केवल कुछ नया करना, इसलिए नया करना ये मैं उचित नहीं मान रही, वरना वो आज की तारीख जैसा कुछ भी पुल जरूर हाथ पांव तोड़कर नया करने में मुझे बिल्कुल भी रस नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे, हालांकि एक भजन का उदाहरण है लेकिन फिर भी बताती हूँ। अभी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों को निर्भय निर्गुण गाते हुए सुना। कुमार जी का बहुत प्रसिद्ध भजन है कभी का, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा। जिस तरीके से, माफ कीजिएगा उन सब कलाकारों से, मैं माफी लेके आपसे बात कर रही हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन जो एक उत्तम कलाकृति हो गई है
उसको आप बिगाड़िए मत नया करने के पीछे। आप कुछ नया करना चाहते हैं तो बामिया का बुद्ध का पुतला आपको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ नया करना चाहते हैं तो नया खड़ा कीजिए। आप में यदि ताकत है नया करने की, आप में यदि जज्बा है तो आप नया खड़ा कीजिए। आप उसको क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? उसमें कोई आपकी आपकी कोई उसमें होशियारी नजर नहीं आती। आप उसको एक तरह से आप उसको विकृत कर रहे हैं। मेरी दृष्टि से हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने उसमें बहुत चार चांद लगा दिए। निश्चित रूप से आपको चार चांद लगाने हैं तो आप स्वयं कंपोज कीजिए अपना कुछ और फिर चार चांद लगाइए। बेशक हम इंतजार करेंगे आपको सुनने का, लेकिन जो एक कलाकृति उत्तम बन चुकी है, जो सर्वमान्य है, उसको आप छेड़िए मत। उसको आप आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस दृष्टिकोण से उस कलाकार ने उसको हमारे सामने पेश किया है। ये मेरा कहना है। तो इसलिए मैं निश्चित रूप से नया रचने के बिल्कुल पक्ष में हूं और कोशिश भी करती हूँ, कुछ कुछ चीजें की भी है मैंने, लेकिन वो केवल इसलिए नहीं की कि मुझे कुमार जी ने चूंकि नया कर दिया तो अब मुझे कुछ नया करना है, इस तरह से नहीं। अभ्यास के दौर में, फ्लो में जब कोई कुछ चीजें सूझती है तो व्यक्ति मतलब कलाकार जो होता है वो अपने आप फूल खिलने लग जाता है। ये मैं कहूंगी। आपने जिस भजन का जिक्र किया दीदी, मुझे याद है आज से करीब 5-6 साल पहले मेरे एक मित्र के पिताजी जो कि बिहार में नेता हैं, थे मतलब अब तो नहीं रहे वो, और प्रभाष जी, कुमार जी सबको बहुत अच्छे से जानते थे और उनके पुत्र का संगीत में उतना लगाव नहीं था, तो वो भी बीमार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि पिताजी को 2 भजन भेज दीजिए कहीं से। मैंने कहा कौन से 2 भजन? तो उसमें एक निर्भय निर्गुण था और एक उड़ जाएगा हंस अकेला। इन दोनों की उन्होंने मुझसे फरमाइश की, तो खैर अब तो आधुनिक तकनीक इतनी आ गई है कि आप चाहें तो तुरंत उसको इंटरनेट से डाउनलोड करें और उसको व्हाट्सएप फाइल बना के व्हाट्सएप पे भेज दें। तो मैंने भेज दिया, तो वो उन दोनों उन इस तरह के तो भजन की व्याप्ति ही अलग उस पे है, उसका कोई वही नहीं है। अच्छा दीदी, एक चीज़ और बताइए, जैसे मैंने कुमार जी के लिए कहा जाता था कि कबीर पर जितना अधिकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का है उससे कम अधिकार कुमार जी का नहीं है, तो आप अपने अपनी कला में, अपने गायकी में जब साहित्य का चयन करती हैं, साहित्य कहाँ से लिया जाए, कुछ नया लिया जाए, तो आप किन बातों पर ज्यादा जोर देती हैं, किन बातों का ध्यान रखती हैं, आपके डूज और डोंट्स क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गेता शब्दों में होना बहुत पहली शर्त होती है, क्योंकि कई बार छंदबद्ध कविता जो होती है उसमें स्वाभाविक रूप से छंद जो निहित होता है वो पढ़ते समय आपको गुनगुनाने लगता है आपके कानों में। बिल्कुल। कई बार छंदबद्ध कविता में एक लय रहती है जो मुक्त काव्य में नहीं रहती। वैसे तो मुक्त काव्य को कंपोज करना, सर्वबद्ध करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें पैरामीटर्स एक जैसे नहीं होते, क्योंकि छंद वहां पे मुक्त है। छंदबद्ध कविता आप सूरदास की ले लीजिए या पुराने भक्तकालीन कवियों की ले लीजिए, एक एक फिक्स पैरामीटर के अंतर्गत उनका रचना संसार आगे बढ़ता चला जाता है, विषय घोषित रहता है, जबकि मुक्त छंद में विषय बहुत फैला हुआ रहता है। तो उसको संगीतबद्ध करते समय उस मुक्त छंद को समेटना उतना आसान नहीं, पहली बात। तो इसलिए कोशिश मेरी ये रहती है कि यदि छंदबद्ध कविता योग्य लगे कवि को पढ़ते पढ़ते, तो स्वाभाविक ही उसमें से कुछ का चुनाव किया है मैंने। और कुछ मराठी कवि हैं, जैसे बहिणा बाई एक हुई है मराठी कवियत्री, मतलब 2 बहिणाबाई हुई थे, एक एक तो नामदेव के तुरंत बाद हुई थी और एक बाद में अभी अभी रिसेंटली पिछले कुछ 50 सालों में हुई थी और एक नामदेव के समय, मैं उनकी बात कर रही हूँ।
तो कुछ ऐसा एक कार्यक्रम का कुछ सिलसिला चल रहा था, किसी ने मुझसे कहा था कि कवियत्रियों को स्वरबद्ध करने के लिए उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी। तो उस समय मैंने बहिणा बाई का साहित्य पढ़ा, उस समय मैंने राजस्थान के कुछ अबूझ कवियत्रियों को जानने का मुझे सौभाग्य मिला। उनकी भी कुछ कुछ रचनाएं मुझे किताब के रूप में मिली थी, उनमें से भी कुछ चुनाव हुए जो मीराबाई के बाद हुई है लेकिन सामान्य रूप से नहीं जानी जाती। चंद्र सखी भी उनमें से एक है, समान बाई उनमें से एक है। तो इस तरह के कुछ लोग रहे हैं, बहिणा बाई रही है। कुछ काम करने का मौका मिला जो बहुत अच्छा लगा मुझे, कि कुछ नया मैं ढूंढ पाई कर पाई। तो छंदबद्ध और मुक्त छंद ये मूल मेरे दायरे में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। दीदी, एक पिछले जब से ये सीरीज शुरू की थी लॉकडाउन में बातचीत की, उसमें 99% मौक़ों पर इंटरव्यू की शुरुआत में मैं गुजारिश करता था कि कोई भजन सुनाइए और उससे ही शुरू होते थे। लेकिन आप में पूरा मामला 360 डिग्री पलट चुका है। अब मैं आपसे आखिर में फरमाइश कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, और चूंकि भजन पर हमने इतनी विस्तार से बात भी की है तो कोई एक भजन ज़रूर सुनाइए हमें। जरूर जरूर बिल्कुल। भजन आपको सगुण भजन सुनाओ या निर्गुण भजन सुनाओ? आप चाय पियेंगे या कॉफी? तो इस पे बहुत पुराना चुटकुला है कि आपके घर में 2 कप नहीं है क्या? चलिए ठीक है, मैं जरूर सुनाती हूँ आपको, दोनों भजन सुनाती हूँ, एक सगुण सुनाऊंगी और एक निर्गुण सुनाऊंगी। कबीर का एक निर्गुणी भजन समापन के बतौर।
सूरदास की भजन की कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ, क्योंकि भजन काफ़ी बड़ा है, एक बानगी के बतौर यहाँ गा रही हूँ। उधो आए आए उधो अखिया अति अनुरागी उधो अखिया अति अनुरागी इकटक मग जोबती इकटक मग जोबती अरुरोवती भूले हूँ पलक न लागी न लागी उधो अखिया अति अनुरागी अनुरागी उधो अखिया अति अनुरागी अनुरागी बिन पावस पावस ऋतु आई आ बिन पावस बिन पावस पावस ऋतु आई देखत है विद्वान अब धो कहा कियो चाहत है छांडहू निरगुण ज्ञान निरगुण ज्ञान उधो अखिया अति अनुरागी अनुरागी। तो ये लालच का कभी कभी ज्यादा फायदा भी हो जाता है, तो आज मेरे लालची होने का फायदा आप श्रोताओं को भी मिल रहा है। दीदी आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे मैंने इतने साल क्रिकेट कवर किया, तो हम अक्सर कहते हैं कि यार बड़े से बड़े बल्लेबाज, आप सुनील गावस्कर की बात कर लें, सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, मौजूदा समय में विराट कोहली की बात कर लें, बहुत क्लासी बल्लेबाज हैं लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। यानी बीच में एक पैच आता है जब वो जो कवर ड्राइव लगना चाहिए वो स्लिप में कैच हो जाता है। गायकी में भी क्या ऐसा होता है क्या कि आप बहुत साधक हैं, बहुत ही गजब की साधना है आपकी, लेकिन बीच में कोई एक ऐसा फेज आता है जब कोई एक स्वर ना लग रहा हो, जब कोई एक चीज आप चाहकर ना कर पा रहे हो, कोई ऐसी तान हो, कोई ऐसी सरगम हो, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अच्छा, बल्कि कई कई बार होता है, मेरे साथ तो रोज होता है। मैं ये इसलिए आपसे खुल के कह सकती हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा ये विद्यार्थी दशा बहुत सुंदर दशा है शिवन जी, अपने आप को मैं इससे बाहर नहीं निकालना चाहती और इसलिए ये मान्य करने पे भी मुझे कोई संकोच नहीं है। संकोच कैसा? ज्ञान के सामने, कुमार जी कहते थे बिल्कुल सही बात है, ज्ञान के सामने संकोच कैसा? यदि ज्ञान के सामने हम संकोच करने लग गए तो हमें कभी कुछ हासिल नहीं होगा। ज्ञान के सामने संकोच नहीं करना चाहिए। ज्ञान के सामने कुमार जी ने कहा है कि आपको रेंगते आना चाहिए, उसको छूते आना चाहिए, उससे लिपटते आना चाहिए, उससे नाराज होते आना चाहिए, वो ज्ञान है। आपको कुमार जी ने तो यहां तक कहा है कि उसको छोटे बच्चे जैसे चाटते हैं किसी चीज को, वैसे आपको चाटते आना चाहिए। ज्ञान है वो, शर्माना क्यों? ज्ञान पाने में शर्माना क्यों? वो अपनी स्थिति को मान्य करने में शर्माना क्यों? तो इसलिए मैं कहती हूं कि हर कार्यक्रम के समय और बल्कि रियाज करते समय, अपना स्वयं का अभ्यास करते समय, हर पल ये एहसास होता है कि मुझे ये नहीं करते आ रहा है और मुझे ये करते आना चाहिए। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये और ये एक हो, जब विचार यहां आए तो यहां से निकले। ये आइडियल है, ये आइडियल है, आइडियल बहुत कम होता है। यदि विचार आते हैं तो कई बार गले से नहीं निकलता, जो गले से निकलती है चीज प्रयास करने के उपरांत वो कई बार विचारों में ही नहीं आती।
ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन आइडियल वो है जब आपके दिमाग में कोई एक फ्रेम आए, कोई एक तान आए, कोई एक 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 स्वर लिपि आए और वो तुरंत आपके गले से हूबहू जैसा आपने सोचा वैसी निकले, वो सही दिन, वो सही दिन। और ये हर बार होता है, हर समय होता है, क्योंकि हम जो संगीत आपके सामने पेश करते हैं वो कोई रटंत वाला संगीत तो है नहीं, वो उसी समय इम्प्रोवाइज होता है। इसीलिए रियाज का यह महत्व है कि रियाज क्यों करना, रियाज इसलिए नहीं करना कि मुझे 10 आलाप याद करने हैं और 50 ताने याद करनी है, नहीं, रियाज इसलिए करना कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी विचार प्रक्रिया, आपकी चिंतन प्रक्रिया बरकरार रहे और आपका गला मतलब आपका हथियार बिल्कुल पैना बना रहे कि जब विचार आए तो उस हथियार का आप उपयोग करके सामने वाले के सामने अपनी चीज रख सके। गला एक तरह से हथियार है हमारा, एक माध्यम है, हथियार मतलब उसको गलत अर्थ में ना लिया जाए, पर जो विचार, पहले तो विचार आना चाहिए, विचार कब आएंगे, जब हम उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, जब हम उसके ऊपर विचार करेंगे। विचार करते रहने की भी एक आदत अपने को बनानी पड़ती है और उसी के लिए रियाज करना होता है कि वही वही चीज हम जब करते हैं तो वो इतनी सहज हो जाए कि वो लगे ही ना कि हम उसके पीछे कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न जरूर रहता है लेकिन वो सहजता लाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसा है। तो दीदी मतलब कुमार जी को लेकर और आपको लेकर बातचीत करें तो मुझे लगता है, और इतने सारे किस्से अभी मेरे अपने जानने वाले छूटे जा रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी है कि उसको एक अवधि में भी समेटना है। कुछ अगर मुझसे छूट गया हो जो आप अलग से जिक्र करना चाहती हो, कोई किस्सा, कोई घटना, कोई विचार, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई चीज़ जो आपको लगता है कि इस इंटरव्यू में अगर उसका भी एक छौंका डाल दिया जाए तो ये कम से कम इस श्रृंखला को पूरा कर देगा, तो आप जरूर बताइए कोई चीज जो आप बताना चाहती हो। देखिए अभी फिलहाल तो एकदम कोई ताजी ताजी चीज तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हम पिछले 1.5 वर्षों से लगभग स्तब्धता की हालत में हैं और ऐसा एक दौर गुजरा है इन पिछले 1.5-2 वर्षों में कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी अपने जीवन में कभी कोई समय आएगा। बेवजह हम अपने, मैं अपने आप को रिटायर महसूस कर रही हूँ 1.5 साल से, बेवजह, जबकि ये उम्र नहीं है, भागा दौड़ी की उम्र है और अभी बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन थोप दिया गया है यह समय हमारे ऊपर। और जिस तरह से गांधी जी कहा करते थे कि चुना हुआ एकांत एक अलग चीज होती है, एकांत का महत्व व्यक्ति तभी समझता है जब वो उसका खुद का चुना हुआ हो, तभी वो क्रिएटिव हो सकता है, वो एकांत तभी क्रिएटिव होता है जब हम उसे चुनते हैं। ये जो एकांत है ये हमारे पे थोपा गया एकांत है, हमने इसे चुना नहीं है, इसलिए कितनी क्रिएटिव घटना इसमें हो रही होंगी मूल रूप से, इस बारे में मुझे शंका है। ऑनलाइन माध्यम में जाके कुछ बतियाना, गप्पे मारना, अपने आप को प्यारे श्रोताओं के बीच में बनाए रखना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संगीत के साथ में साझा होते रहना, ये क्रिएटिविटी इस तरह की नहीं बात कर रही हूं मैं, ये एक अलग माध्यम है, मैं सचमुच की क्रिएटिविटी की बात कर रही हूँ। तो उस क्रिएटिविटी के लिए हमें खुद से एकांत चाह के हम जो पाते हैं एकांत, उसकी जरूरत रहती है। तो इसलिए तो साधक अलग होते हैं जो हिमालय में जाके साधना करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने चुना हुआ एकांत होता है और इसीलिए वो इतने आध्यात्मिक ऊंचाई पाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने खुद की चुनी हुई चीज रहती है, ये कोई चुना हुआ एकांत नहीं है। यही बात कर रहे थे कि आखिर में कोई आपका विचार या कोई बातचीत जो इस इंटरव्यू को पूर्ण करती हो। मैं केवल ये बात सब श्रोताओं दर्शकों के साथ में साझा करना पसंद करूंगी कि पिछले कुछ वर्षों पहले मैंने 2 पुस्तकें कुमार जी के ऊपर संपादित की है। उन पुस्तकों का नाम है कालजयी कुमार गंधर्व, वो कुमार जी के सांगीतिक योगदान पर केंद्रित पुस्तकें हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो
हिंदी भाषी श्रोता, अंग्रेजी भाषी श्रोता और मराठी भाषी श्रोता, क्योंकि वो दो भागों में उपलब्ध पुस्तकें हैं। पहला भाग उसका मराठी भाषा में है और दूसरा भाग जो है वो हिंदी और अंग्रेजी संयुक्त रूप से है। और सबसे सुंदर बात यह है कि वो दोनों भाग एक दूसरे के अनुवाद नहीं है। मराठी जो भाग है उसका जो अंदर का मामला है वो बिल्कुल अलग है, आलेख अलग है, सारा सा मामला अलग है। और जब हिंदी और अंग्रेजी के आर्टिकल्स हैं वो पूरे अलग है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने, अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए लोगों ने, नर्तकों ने, नाटककारों ने, इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट लोगों ने, संगीतकारों ने, आर्किटेक्ट लोगों ने, इस तरह से अलग अलग विधाओं के लोगों ने अपने विचार कुमार जी के संगीत के बारे में उस पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि श्रोताओं में से भी कुछ लोग उस पुस्तक को जरूर देखें, पढ़ें, एक समग्र कलाकार का एहसास दिलाने के लिए मेरे ख्याल से वो पुस्तकें काफी ठीक बन गई हैं। कुमार गंधर्व संगीत अकादमी देवास में भी वो पुस्तकें उपलब्ध हैं। मेरी वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। और उस किताब से जुड़ा बस इतना ही आपको जानकारी दे सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ कि एक प्रतिष्ठित मैगजीन के लिए, जो इस देश की एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, इंडिया टुडे के लिए, नाम लेने में भी क्या हर्ज है, उसके लिए उस पुस्तक की समीक्षा मैंने ही लिखी थी, तो मुझे वो पुस्तक याद है। हालांकि पुस्तकों के साथ जो सबसे खराब बात होती है कि फिर उसके बाद ये हुआ कि समीक्षा लिखने के बाद एक परम मित्र है मेरे, वो भी कुमार जी के बहुत ही प्रशंसक, सुनने वाले, प्रेमी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा यार वो किताब दे दो, पढ़ के मैं लौटा दूंगा। और आज जब आपने उस किताब का जिक्र किया है तो मुझे याद आ रहा है कि इस घटना को दुख को कम से कम 2-3 साल हो गए हैं और वो किताब वापस नहीं आई है। तो अभी मैं इंटरव्यू खत्म करने के बाद सबसे पहले उन्हीं को फोन करने जा रहा हूँ कि किताब वापस कर दीजिए। बहुत 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 धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए, इस बहाने से बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और श्रोताओं से जुड़ के। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।